आपको जो है टोटल 94 क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे, लेकिन इस 94 क्वेश्चंस में सभी क्वेश्चंस खास हैं, तो इसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो ये हमारा 30वें क्रम का वीडियो होगा और ये गेस क्वेश्चंस 30 होगा। शुरू करते हैं। 31 मई 2019 के विश्व तंबाकू दिवस की थीम क्या था? तो ये थीम था इसका तंबाकू और फड़े-फड़े का स्वास्थ्य। क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध और नियमन आधिकारिक डिजिटल करेंसी विधेयक 2019 में क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन को रखने, बेचने या खरीदने पर कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रस्ताव जो है वो 10 वर्ष का है कि 10 वर्ष तक इसको सजा मिलेगी। अपनी विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए RBI ने 2019 में कितने टन सोना खरीदा है? तो 52.3 टन सोना जो है RBI ने खरीदा है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का वित्तीय औद्योगिकी फिनटेक बाजार 2020 तक कितना पहुंच जाने की संभावना है? तो ये पहुंचने की संभावना है $31 अरब। 5 जून 2019 को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या था? तो ये थीम था बीट एयर पॉल्यूशन। दूसरा वैश्विक विकलांगता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया अर्जेंटीना में। किस खिलाड़ी देश ने हाल ही में नेशनल स्ट्रेटजिक फॉर वेल बीइंग 2019 नीति अपनाया है? तो ये अपनाया है संयुक्त अरब अमीरात ने। हाल के आंकड़ों के मुताबिक कितने भारतीयों के पास अभी तक सुरक्षित पेयजल नहीं है? देखिए बहुत बेकार स्थिति है, 16.3 करोड़ भारतीय के पास अभी तक जो है सुरक्षित पेयजल नहीं है, और शराब पीने वालों की संख्या यानी अल्कोहलिक लोगों की संख्या भी लगभग इतनी ही है। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 के अवसर पर किस देश की विधानसभा ने जंगलों को जीवित इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त करने की घोषणा की है? तो ये किया है अल साल्वाडोर ने। अब जंगल को एक जीवित इकाई माना जाएगा, यानी जो जंगलों को नुकसान करेगा उसको आराम से सजा देने का प्रावधान होगा। सतत विकास लक्ष्य लिंग सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो यह है 95th, 95वां है ये। केंद्र सरकार ने घरों में पाइप की पानी का कवरेज किस वर्ष तक 100% करने का निर्णय लिया है? तो ये है 2024 तक। ये बहुत अच्छी घोषणा है। लोथल के प्राचीन स्थल पर एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना में किस देश ने भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जाहिर की है? तो ये है पुर्तगाल। पुर्तगाल इसके साथ काम करेगा। सिंधु घाटी सभ्यता में ये सब महत्वपूर्ण स्थल थे। नीति आयोग ने अपने प्रस्ताव में किस वर्ष के बाद भारत में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन बेचने का प्रस्ताव दिया है? तो ये दिया है 2030 के बाद। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की वैश्विक मछली उत्पादन में कितनी हिस्सेदारी है? तो ये हिस्सेदारी है 6.3%। ओलंपिक समिति ने ओलंपिक खेलों की शुरुआत के ठीक 125 वर्ष बाद किस देश में अपना नया मुख्यालय खोला है? तो नया मुख्यालय खोला है उसने स्विट्जरलैंड में। नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स 2019 में देश के 21 बड़े राज्यों में कौन सा राज्य सबसे निचले पायदान पर रहा? तो उत्तर प्रदेश और बिहार संयुक्त रूप से निचले पायदान पर है। हाल ही में किस राज्य ने गिरते भूमिगत जल स्तर को रोकने के लिए जल ही जीवन है योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया है हरियाणा ने। भारत कहाँ स्थित अपने मुख्यालय में सैन्य अंतरिक्ष की स्थापना कर रहा है? तो सैन्य अंतरिक्ष की स्थापना कर रहा है भारत बेंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी है ये। कौन सा देश ग्लोबल वार्मिंग के खतरों के कारण अपनी राजधानी बदलने पर विचार कर रहा है? तो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी अब जकार्ता नहीं रह जाएगी, क्योंकि जकार्ता दलदली भूमि पर स्थित है, वहाँ की अपनी समस्याएं हैं, वो डूब जाएगा। दरअसल ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करता है? तो ये चौथा सबसे बड़ा खर्च करता है भारत, और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा हथियार आयातक है। किस देश के अराजकता के देवता के नाम पर क्षुद्र ग्रह एपोफिस 99942 का नामकरण किया गया है? तो ये मिस्र के अराजकता के देवता हैं, उनके नाम पर किया गया है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर आपातकाल लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो यह है ब्रिटेन, और दूसरा देश है आयरलैंड। हाल ही में भारतीय निवेशक के लिए सबसे पसंदीदा शहर के रूप में कौन उभरा है? तो ये उभरा है लंदन। केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों के लिए किस रंग के नंबर
प्लेट पर सफ़ेद लेटरिंग अनिवार्य किया गया है, तो ये हरा रंग होगा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर, इको फ्रेंडली शो करेगा ना वो। भारत फाइबर के लॉन्च के साथ ही पुलवामा में ऑप्टिकल फाइबर आधारित हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला ऑपरेटर कौन है? तो यह है BSNL। उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। 7 मई 2019 को मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस की थीम क्या थी? तो ये थीम थी स्टॉप अस्थमा। मुंबई की आरोही पंडित किस महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बन गई है? तो इसने अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान भरी है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश छोड़ने वाले अमीरों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन है? तो यह है आयरलैंड। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसे अपना विशेष दूत नियुक्त किया है? तो दिया मिर्जा जो है वो विशेष दूत नियुक्त हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप 30 मीटर टेलीस्कोप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये निर्माण किया जा रहा है हवाई में। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सर्वाधिक सैनिक खर्च करने वाला देश कौन बना? तो ये बना है अमेरिका। नासा न्यून में से किस खगोलीय पिंड के लिए एक नए मानव युक्त मिशन योजना आर्टेमिस पर विचार कर रहा है? तो ये चंद्रमा पर फिर से मानव भेजने का विचार कर रहा है। 17 मई 2019 के विश्व उच्च रक्षा दिवस की थीम क्या थी? तो ये थी नो योर नंबर्स। कैरेबियन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये है इरफान पठान। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस जानवर के लिए DNA डाटाबेस बनाने हेतु परियोजना की घोषणा की गई है? तो DNA डाटाबेस बनेगा गैंडा के लिए। हाल ही में मारुति सुजुकी द्वारा किस राज्य में कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? ये इसका उत्तर होगा गुजरात। हाल ही में IPL में 100 कैच पकड़ने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना? तो ये बने हैं सुरेश रैना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2019 की थीम क्या थी? ये थी हमारी जैव विविधता, हमारा भोजन, हमारा स्वास्थ्य। किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस होने के लिए ई विधान परियोजना पर काम कर रही है? तो केरल जो सर्वाधिक साक्षर राज्य है वो ई विधान पे काम कर रहा है, यानी कि उसकी विधानसभा पेपरलेस हो जाएगी। किड्स राइट इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो यह है 117। केरल सरकार द्वारा राज्य में 57.5% से अधिक GST वाली वस्तुओं पर 1 जून 2019 से कितना अतिरिक्त आपदा शेष आरोपित किया गया है? तो ये आरोपित किया गया है 1%। हम जानते हैं केरल में भयानक बाढ़ आई थी तो पुनर्निर्माण के लिए ऐसा किया गया है। हाल ही में किस देश ने अपने अमेरिकी दूतावास का नाम बदलने का फैसला किया है? तो ताइवान अपने अमेरिकी दूतावास का नाम बदलेगा। हाल ही में भारतीय लेखिका एनी जैदी ने किस देश का $1,00,000 का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? तो ये ब्रिटेन का ये पुरस्कार है। 2020 के पेरिस पुस्तक मेले में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है? तो ये है भारत जो गेस्ट ऑफ ऑनर लेगा। इलेक्ट्रिक टैक्सियों के लिए वायरलेस चार्जिंग सिस्टम स्थापित करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बना? तो ये बना है ओस्लो। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पुस्तक मेला 2022 में कौन सा देश अतिथि देश होगा? तो ये होगा फ्रांस। महिलाओं की सबसे कम जीवन प्रत्याशा किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में। PWD नामक ऐप किस राज्य में चुनाव आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के मतदान को आसान बनाने के लिए शुरू किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र के मतदाताओं के लिए। हाल ही में किस राज्य का फायंग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया है? तो ये है मणिपुर। मनरेगा के अंतर्गत सबसे कम मजदूरी किस राज्य में है? तो यह है बिहार और झारखंड दोनों में। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2019 की थीम क्या थी? तो ये थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2019 कब मनाया गया? ये मनाया गया 1 से 7 अप्रैल को। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम तंत्र है? तो यह है दूसरा। सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला पहला देश कौन है? तो यह है ब्रिटेन। किस राज्य के
मड़ियोर गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो केरल राज्य के गुड़ को दिया गया है। हाल ही में देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन बना, तो ये बना है गुवाहाटी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2010 से 2019 के बीच भारत की जनसंख्या किस औसत वार्षिक दर से बढ़ी है, तो ये बढ़ी है 1.2% की दर से। हाल ही में किस राज्य में स्थित नांधर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की मांग की गई है, तो ये है उत्तराखंड का। तीन देशों की 3 सदस्यीय महिला टीम एवरेस्ट पर आरोहण की तैयारी कर रही है, इनमें से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? देखिए, भारत, चीन और नेपाल की महिला जाएगी, भूटान इसमें शामिल नहीं है। विश्व धरोहर दिवस 2019 की थीम क्या थी? तो यह था रूरल लैंडस्केप। किस देश के पूर्वी राष्ट्रपति एलन गार्सिया ने रिश्वत के आरोप में गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार ली? तो ये थे पेरू के। सऊदी अरब ने भारत के हज कोटे को 1,75,000 से बढ़ाकर 2,00,000 कर दिया है। विश्व एलर्जी सप्ताह 2019 मनाया गया 7 से 13 अप्रैल को। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने पहले भी इसको देखा है, एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं बस। अप्रैल 2019 में सेना कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ था नई दिल्ली में। हाल ही में सिकंदर महान की 3.5 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित की गई थी ग्रीस में। पृथ्वी दिवस 2019 की थीम थी प्रोटेक्ट योर स्पीसीज। कैंसर तत्परता सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग है 19वीं। पहला रोबोट बनाने वाला वैज्ञानिक नील्स जॉन्स नीलसन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो अमेरिका के थे। व्लादिमीर पुतिन और उत्तरी कोरिया के शासक किंग जोंग उन के बीच पहली शिखर वार्ता संपन्न हुई व्लादिवोस्तक में। व्लादिवोस्तक जो है रूस का एक शहर है, काफ़ी ठंडा एरिया है वो। किस देश ने 21 अप्रैल 2019 को घटित आतंकी हमले के बाद चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया है श्रीलंका ने। हाल ही में भारत ने गेहूं पर आयात शुल्क 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो वो 40% कर दिया है। किस राज्य ने सूर्यापेट जिला में हाल ही में बोधिस्तव की 1.74 मीटर ऊंची मूर्ति का पता चला है? तो ये पता चला है तेलंगाना में। अमेरिकी द्वारा बनाई गई बौद्धिक संपदा चोरी करने और पेटेंट उल्लंघन की ब्लैक लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है दूसरा। हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेटर सनत जोसूरिया पर कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये प्रतिबंध लगा दिया है 2 साल के लिए। मार्च 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कन्याकुमारी में कितनी राशि की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है 3,000 करोड़ की। 2 मार्च 2019 को मन की बात रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति पुस्तक का विमोचन किया है अरुण जेटली ने। अरुण जेटली की मृत्यु हो चुकी है। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 1 मार्च 2019 को कहाँ किया गया? तो ये को किया गया गुजरात में। 17 अप्रैल 2019 को निम्न में से किसे भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया अभिनंदन वर्धमान को, जो कि विंग कमांडर थे। मिग 21 उड़ाते हुए उनका मिग 21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस बैंक को ईरान से लेन देन की जिम्मेवारी सौंपी गई है? तो ईरान के साथ IDBI लेन देन की जिम्मेवारी लेगा। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। विकलांगता खेल केंद्र जो है वो ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार 2017 में भारत में बिजली के अभाव में संचालित प्राथमिक विद्यालयों की संख्या है आधे से अधिक, यानी 51%। बहुत ख़राब स्थिति है। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में अदानी पावर के 14,000 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये प्रदान की गई है मंजूरी झारखंड में। भारत में रूस से तीसरे परमाणु संचालित पनडुब्बी को पट्टी पर लेने के लिए कितने डॉलर का समझौता किया है? तो ये समझौता है $3 बिलियन का। भारत ने किस देश के साथ हुए कैंसर शोध पहल पर अपनी मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है ब्रिटेन पर। हाल ही में CSISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये है उसका 50वां स्थापना दिवस।
विश्व सोना प्रसिद्ध के अनुसार भारत स्वर्ण भंडार के मामले में किस स्थान पर है? तो 11वें स्थान पर है भारत। 2019 के विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या थी? तो ये था ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स। सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रिकेटर श्रीसंत पर किस वर्ष लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया गया? तो 2013 में ये प्रतिबंध हटा दिया गया। मार्च 2019 में जापान ने कोलकाता संग्रहालय को कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो वो जापान देगा 22 लाख रुपए। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में विदेशी अप्रवासियों की संख्या कितनी है? तो ये है 60 लाख। तो ये देखिए लगभग 93-94 क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे हैं, और यकीन मानिए कि जितने भी सेट्स हैं सभी सेट्स से मानिए कि एक क्वेश्चन भी आपका आता है। तो अभी सेट्स की संख्या लगभग 30 के करीब होगी। तो अभी हम मान के चलते हैं कि टोटल सेट्स हम लगभग 100 से ऊपर ही सेट्स डालेंगे, और एकदम पढ़ते रहिए, एकदम आराम से, बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को बहुत जल्द उपलब्ध कराऊंगा, 1 से 2 तारीख तक पीडीएफ इसका आ जाएगा। अगर आपको ये रिलेवेंट लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को फैला दीजिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।